Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन फैमिली के लिए, इस ऑर्फन फैमिली के लिए और डिसेबल्ड फैमिली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और आप लोगों के तआवुन से हम राशन और इनके लिए कारोबार लेकर आ गए हैं। ये हमारी माँ जी सिलाई का काम जानती हैं, इसके अलावा दूसरा काम इन्हें नहीं आता और मेहनत मजदूरी वगैरह कर सकती हैं, तो इसलिए हम इनके पास आए हैं कि ये सिलाई मशीन लेकर ये इससे ये काम वगैरह कर सकें और अपने बच्चों को भी संभाल सकें। अगर ये बाहर जाती है काम वगैरह करने के लिए तो इनके लिए काफी दुश्वार मेंटली तौर पर डिसेबल्ड है, मेंटली तौर पर रिटार्डेड हैं, तो इनके लिए काफी दुश्वारी होती है। वो बाहर चल जाती है या फिर खेल कूद में लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये घर में बैठकर दूसरा काम भी कर सकती हैं, अपना कारोबार भी कर सकती हैं और अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं। आपकी कितनी बेटियां? चार बेटियां और एक बहन। ये पुत्र दो भाई शायद वो भी मेंटली तौर पर रिटायर्ड हैं। इनकी सारी तमाम तर जिम्मेदारी ये हमारी माँ जी करती हैं, जबकि इनके बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया और अपनी बहनों को अपने घर से निकाल दिया, इस वजह से कि ये जहनी तौर पर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनके भाइयों ने अपनी बहनों को और अपनी वालदा को घर से निकाल दिया। और अब ये इस ड्यूटी में इनका अपना ये घर था, वो अब पहले वाला घर था, अब ये यहाँ पर रह रही हैं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और इनकी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमाए। राशन पानी सारे को पहुंच गए, अल्लाह तक त्रेह देवे खैर खुशी ना लोवो तक असा दुआई करे बच्चे वास्ते तावन कीते वे खुदा पाक तालू ते रहमत वसे सी। आमीन सुमा आमीन। बच्चे वास्ते तावन कीते वे तालू ते रब ताला रहमत वसे सी। अल्लाह पाक बाकी मशीन दी सिलाई असा जान दे आए तो सा जान दे ना जी हां तो सा हुन 12 महीने के काम ना करे हरे बह के इंशाल्लाह तआला कपड़े वगैरह सिले करे और अपने बेटियां दी भी हिफाजत करे सो उना दी केयर वगैरह करे सो इंशाल्लाह तआला अल्लाह पाक करम फरमी सी। हां घर च इज्जत शरत नाल बैठे रहन मेरा बच्चा भी मां भी मां थक गईयां का ज्यादा खत्म थी गईयां कमजोर थी गईयां बीमारियां खा गन मैं को दुख खा गन। हां दुख बीमारियां खा गन एक बीमारी तनी शुगर है ब्लड है लत्ते च रीह दी मरीज दा गोदे खत्म थी गन सलो चुणिया खत्म थी गन ढाय वेंदी हल दंगोरी नाल टूर दिया। अल्लाह पाक तो कुतरे देवे मैं तो आदे बच्चे वास्ते दुआई मंगसा अल्लाह पाक तो कुतरे देवे इंशाल्लाह सावे सब तो बड़ा है छोटा है। अच्छा माशाल्लाह तो ये हम आपको सिलाई मशीन दे रही हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी कोशिश है छोटी सी कि इस फैमिली को एक अदद सिलाई मशीन दे दें, हम इन्हें कारोबार दे दें, जिसमें हमने कोशिश किया है वो तमाम चीज़ें लेकर आने की जो ज़रूरत की होती हैं। कैंची भी साथ में है और ये देखें ये सिलाई मशीन भी मौजूद है। ये हम अपनी बहनों के लिए लेकर आए हैं, इस अपनी माँ जी के लिए लेकर आए हैं। ये सिलाई मशीन है, न्यू सिलाई मशीन है, हम इस फैमिली के लिए लेकर आए हैं और ये कैंची भी मौजूद है। ये आपके लिए है, आपने बस कारोबार घर में बैठ कर करना है, ठीक है जी। आपको सिले करना आता है? जी हाँ। सिले करेंगे ना? जी हाँ जी हाँ। तसल्ली है? जी हाँ तसल्ली है। सारी कोशिश है? जी हाँ जी। जानता मेरा रब है? रब जान। अल्लाह जान रहा है कि असली तौरे किते ये लेके आ गए थे। बिल्कुल। अल्लाह पाक हमें सलामत रखे। इंशाल्लाह जिंदगी आला हो, इंशाल्लाह सावे सब क्या हो, अल्लाह दरेह दिवाए। ये हमारी पांच बहनें जो है ना मेंटली तौर पर रिटार्डेड हैं, जबकि ये हमारी माँ जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनकी सारी जिम्मेदारी इस पर आती है, उन पर आती है, सारी जिम्मेदारी इन पर आती है। और इनके खामत काफी अर्सा हो गया, वो फौत हो गई है और इनके भाइयों ने इन्हें घर से निकाल दिया। अभी यहाँ पर झोपड़ी में रह रही है, दिखाते जरा झोपड़ी माल की बाशी में गुजारा है पिया। और इनके पास हम राशन भी देकर आ गए हैं, खाने के लिए चीजें कुछ हैं वो भी लेकर आ गए हैं, ये घी चीनी कोशिश किया वो तमाम चीजें लेकर आने की जो जरूरत सी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दालें चीनी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है ना वो मौजूद है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और हमारी बहनों के लिए। बस आप यहाँ हमें दो मिनट ख्याल रखना है। अल्लाह आप तंदुरुस्ती दिवाए अल्लाह पाक आप तंदुरुस्त।